और भाई क्या खा रहा है तू लंच में? सब्जी है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजेन पे। मैं हूं शिंदे जुगलानी और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं पूरे दिन में क्या खाता हूं फॉर मेंटेनिंग मसल मास एंड इंक्रीजिंग इट आल्सो। पूरे दिन की डाइट जिस पे वीडियो बनेगी आज, और स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टिल द डिनर। और अभी मैं पार्क में रनिंग करने आया हुआ हूँ और मैं अपना डे हर रोज स्टार्ट करता हूँ वर्कआउट से। वर्कआउट फर्स्ट देन एनीथिंग। रनिंग करने के बाद फर्स्ट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट लूंगा। ब्रेकफास्ट में ओट्स और नट्स लूंगा। जैसा कि आपने देखा, मैं नट्स को सोक कर देता हूँ पानी में ताकि वो जर्मिनेट हो जाए और उसमें प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए। तो अभी रनिंग खत्म करके ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक बहुत ही बिखरे हुए मैसी हॉस्टल के कमरे में रहता हूँ। कई लोग ऐसे हॉस्टल में रहते हैं, उनको डाइट का नहीं पता रहता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल मास गेन करने के लिए, या फिर इन जनरल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्या आप खा सकते हैं एज अ हॉस्टल स्टूडेंट ईजिली अवेलेबल जो होता है, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए और आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी बॉडी बिल्डिंग करने में। तो दोस्तों, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं उनको सुबह उठ के सोक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सुबह पानी में सोक कर दिए थे और अब वो बिल्कुल जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं। तो इसमें मैं काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डालता हूँ, क्योंकि ये सारे सीड्स एट द एंड, फ्रूट का जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, वो प्लांट में ग्रो होता है। और अगर आप इनको पानी में डाल दोगे सुबह सुबह और दो तीन घंटा रुक जाओगे तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स, विटामिंस की मात्रा बढ़ जाती है, अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है उसमें। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने ड्राई फ्रूट को पानी में सोक करके रख दो ताकि वो जर्मिनेट हो जाए और फिर आप खाओ। वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और काफी ज्यादा बॉडी बिल्डिंग में हेल्प भी करेंगे। तो वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट मैं ये खाऊंगा, इसमें मैं ओट्स डाल दूंगा और फिर उसमें प्रोटीन मिक्स करके खाऊंगा। एक स्कूप 30 ग्राम ओट्स का। ये होगा मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और हाई इन गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, ओमेगा फैटी एसिड्स मिलेंगे और गुड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे इसमें, जिससे मेरी पूरे दिन के लिए एनर्जी बनी रहेगी और जो मसल्स मेरी वर्कआउट करते हुए टियर होगी वो भी रिकवर हो जाएंगी। मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ हिमालय का कीस्ता प्रो वे प्रोटीन। ये सही में काफ़ी अच्छा वे प्रोटीन है एंड हिमालय कंपनी आपको पता ही है, मानी हुई है। ये वाला वे प्रोटीन हाईली रिकमेंड करूँगा एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई एम यूजिंग इट एंड इट्स रियली गुड। हाँ तो दोस्तों, अब ये हो गया वे प्रोटीन और ओट्स और ड्राई फ्रूट्स, उसका मिक्स है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने माई फिटनेस पैल पे इसका एंटर कर दिया है। मैक्रोज इसके है 41 ग्राम प्रोटीन है, 76 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 35 ग्राम फैट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकफास्ट इसी से किया करें, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, एंटी डायबिटिक होता है, कोलेस्ट्रॉल लो करने में हेल्प करता है। आई वुड रिकमेंड कि स्टार्ट योर डे विद ओट्स। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, एज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, फाइनल ईयर एमबीबीएस में हूँ तो पढ़ना बहुत पड़ता है। अब दोपहर तक पढ़ूंगा और फिर मैं आपको लंच पे मिलता हूँ, ठीक है? तब तक ये मेरा साथी होगा। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:30 बज रहे हैं, मैंने 9:30 बजे खाना खाया था, अभी 3 घंटे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, थोड़ा थक गया हूँ बट वी हैव टू कीप गोइंग। तो स्नैक्स में मैं ये खाता हूँ जामुन, तो अभी मैं ये जामुन खाऊंगा और इसके साथ 3 केले खाऊंगा।
तो ये मेरा काइंड ऑफ स्नैक्स हो जाएगा, दोपहर का स्नैक्स, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स एंड विटामिंस, बिकॉज लोग मैक्रोस की तरफ देखते रहते हैं, सोचते हैं प्रोटीन ज़्यादा लोगे, दैट्स नॉट इट. यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ माइक्रोज, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए एंड मिनरल्स लाइक जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड एंड ऑल. दोस्तों मैं यूजुअली स्नैक्स में दो फ्रूट्स खाता हूँ, कोई भी दो, लाइक एप्पल खा सकते हो, मौसमी खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, एनी टू ऑफ देम. लाइक स्नैक्स में आज मैंने रेड प्लम खाया और मैं बनाना खा रहा हूँ दोपहर में, शाम में, जब मन करे, इंस्टेड ऑफ चिप्स या फिर कुछ भी मसाले वाला या फ्राइड, उसकी जगह आई प्रेफर फ्रूट्स. जब भी स्नैक्स खाने का मन करता है आई ईट फ्रूट्स. और भाई क्या खा रहा है तू लंच में? अभी ये रोटी है, हाँ. ये केबेज की सब्जी है, हाँ. चने की सब्जी है, राइस एंड दाल. ठीक है ठीक है, ये भी खा सकते हो, बट मैं लंच में क्या खाता हूँ, मैं खाता हूँ ये मेरा टिफ़िन आता है, हेल्दी टिफ़िन. इसमें 150 ग्राम चिकन होता है, ये चिकन की सब्जी, कभी रोस्टेड चिकन, कभी ग्रिल चिकन, कभी कुछ ऐसे ऐसे आता रहता है, और 100 ग्राम ब्राउन राइस, और एक बहुत बड़ा पैक सैलेड का. सैलेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, और फाइबर ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं. तो सैलेड एंड फ्रूट्स आर द प्रीडोमिनेंट थिंग इफ यू वांट टू लूज वेट. आप ऐसे भी खा सकते हो. ओए जिगर, क्या हाल है तेरे? बढ़िया, बहुत बढ़िया. कैसा खाना? अच्छा, एकदम बढ़िया. मेस का खाना भी खा सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसमें आप अगर पनीर ऐड कर लो या फिर सोया ऐड कर लो, कुछ प्रोटीन से रिच चीज़, और उसके साथ सैलड खाओ. जैसे ये सैलड खा रहा है बट बहुत कम खा रहा है, थोड़ा और खाया करे यार. तो ये खाना भी अच्छा है और ये खाना भी अच्छा है, बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो थोड़ा इस टाइप के खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो अगर आप हॉस्टल स्टूडेंट हैं और डाइट का देख रहे हैं तो आप ऐसे टिफ़िन वगैरह भी मंगा सकते हैं. अब आप ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हेल्दी टिफ़िन की, और जिनको बॉडी बिल्ड करनी है उनके लिए टिफ़िन अलग आता है. यू कैन लुक अप एंड सर्च फॉर देम एंड ईजिली वो सर्विस भी मिल जाती है. थोड़ा ये भी खा कर देखो. चावल बढ़िया है. हामिद जोशी, क्या हाल है? क्या खा रहा है? सब्जी का नाम बता. ये आलू की सब्जी और ये वाल है. ये बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को, मैं खा के देखता हूँ. ये लड़का अच्छा है. ये भी जितेश भाई का टिफिन खा रहा है, हेल्दी टिफिन. क्या खा रहा है? चिकन कीमा और ये रोटी और सैलड. मैंने चिकन कीमा और राइस खाया, हम दोनों सेम बंदे से मंगाते हैं टिफिन. और ये है श्रुतिक, मेरा जूनियर. और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? नॉर्मल टिफिन. तो ये भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं, इट्स अप टू द चॉइस. अगर बॉडी बिल्ड करनी है, मसल मास बिल्ड करना है, तो थोड़ा ऐसा ज़्यादा खाना पड़ेगा, है ना भाई श्रुतिक? हाँ. तो दोस्तों मेरा थर्ड मील होगा दिन का, थ्री होल एग्स, तीन अंडे और ब्रेड. तो इसका मैं ब्रेड ऑमलेट बनाऊंगा, और हाई इन प्रोटीन और गुड कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्राउन ब्रेड के साथ खाऊंगा, मस्त बनेगा. ये मेरा दिन का थर्ड मील है, टोटल 5 मील्स खाऊंगा, और इसमें अराउंड 15 से 20 ग्राम प्रोटीन रहेगा, और इसके बाद सीधा डिनर. और ये जाएगा इसमें. ये हमारा बन रहा है अब थर्ड मील ऑफ द डे, ब्रेड ऑमलेट. तो ये है थर्ड मील और ये है ब्रेड ऑमलेट, और मैं शेयर कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम आया मूवी देखने, और इसके बाद अब मैं खाऊंगा सीधा डिनर. इसमें अराउंड 22 ग्राम प्रोटीन है, और हाई इन गुड फैट्स और गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स.
क्या हाल है दोस्तों, अभी 5:30 बज रहे करीबन और शाम में जैसे भूख लगती है, क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने के लिए और कई बार टाइम भी नहीं होता, तो मैं अपने साथ हमेशा प्रोटीन बार रखता हूँ। आजकल मैं मसल ब्लेज की प्रोटीन बार खा रहा हूँ। टाइम जस्ट सेइंग कि आप कोई भी प्रोटीन बार ले सकते हैं कोई भी कंपनी की, मैं मसल ब्लेज प्रेफर करता हूँ या फिर योगा बार और या फिर राइट बाइट की भी आती है, कोई भी ले सकते हैं। तो प्रोटीन बार का ये फ़ायदा, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और कैलरीज भी ज़्यादा नहीं होती, 250 कैलरीज तक होती है। तो जब रश में हो, शाम में टाइम ना हो खाना प्रिपेयर करने का या फिर कुछ करने का, इसकी जगह वैसे प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं, बट ये काफ़ी कन्वीनियंट रहती है खाने की और ऊपर से गाड़ी चलाते हुए भी खा सकते हैं। तो दोस्तों अब डिनर टाइम है, टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं और थोड़ा थक गया हूँ मैं। ये मसल मास मेंटेन करने के लिए जितेश भाई का टिफिन खाना बहुत ज़रूरी है। और डिनर में मैं खा रहा हूँ ग्रिल्ड चिकन 150 ग्राम, इसमें कुछ 50 ग्राम तक प्रोटीन होगा, और सैलड, और साथ में ये बहुत ही स्वादिष्ट दही वाली हरी चटनी। तो दोस्तों अभी मैं चिकन खा रहा हूँ, बट आई नो कि कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो चिकन की जगह स्वैप कर सकते हैं पनीर या फिर सोया चंक्स या फिर सोया चाप या फिर टोफू भी खा सकते हैं। टोफू पनीर भी काफ़ी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है और इट्स नॉट कि चिकन खाना ही कंपल्सरी है, बट चिकन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बीन्स सैलड, रेड किडनी बीन्स या राजमा, उसका सैलड, वो हेल्प करेगा डाइजेशन में, अच्छा रहेगा, वेट लॉस अच्छा रहेगा, मसल टोन अच्छी रहेगी, बूम बूम। तो दोस्तों रात को मैं कार्बोहाइड्रेट्स कम ही लेता हूँ क्योंकि इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, रात को सोना ही होता है, ज़्यादा कुछ काम करना होता। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आफ्टर डस्क, शाम होने के बाद रोटी या चावल या ब्रेड ना खाया करो, तो उससे वेट लॉस काफ़ी जल्दी होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों ये था मेरा होल डे ऑफ ईटिंग, आशा करता हूँ कि ये आपको किसी तरह इस वीडियो ने हेल्प किया हो और आइडिया दिया हो कि कैसे, अगर आप एक हॉस्टल स्टूडेंट है पर आप एक फ़िट लाइफस्टाइल अडैप्ट करना चाहते हैं या फिर आप फिटनेस में अभी अभी आए हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो आप कैसे डाइट को ऑन द ट्रैक रख सकते हैं। एंड मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हर बारी ऐसा नहीं होता कि मैं फुल ऑन डाइट फॉलो करूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर खाने चले जाता हूँ दोस्तों के साथ या फिर मेरा कुछ और खाने का मन कर जाता है, कुछ टेस्टी खाने का मन कर जाता है, हर बार ये डाइट फॉलो नहीं होती। तो हफ्ते में 2-3 दिन मैं नॉर्मल खाना भी खाता हूँ, दाल चावल रोटी ये सब भी खाता हूँ, ऐसी बात नहीं कि वो मैं बिल्कुल नहीं खाता, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपना घर का खाना बिल्कुल बंद कर देना होगा या फिर नॉर्मल मेस का खाना नहीं खा सकते। आई एम जस्ट सेइंग कि सैलेड और फ्रूट्स और कुछ प्रोटीन से रिच पनीर या फिर सोयाबीन या फिर टोफू या फिर चिकन, ये आप अगर आप नॉर्मल रेगुलर डाइट में ऐड कर लोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों अब हम एगीट्री में और ये मेरा डिनर है, यहाँ पे क्योंकि अब मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ मूवी देखने के बाद, खाना तो खाना ही होता है बाहर, बट आप हेल्दी भी खा सकते हो, तो लाइक किसी भी रेस्टोरेंट में अगर जाते हो तो देर आर ऑप्शन ऑफ हेल्दी फूड ऑल्सो। तो मैंने ऑप्ट किया है हाफ फ्राइड एग मसाला, एंड चाय इसमें मसाला है बट इट्स क्वाइट हेल्दी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, हाई इन फैट हाई इन प्रोटीन गुड फैट्स, और साथ में थोड़ी सैलड, ये बन मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा शायद, एनीथिंग हेल्दी, क्योंकि आजकल जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाओ वहाँ पे चिकन सैलड तो होती है या फिर वेज सैलड भी होती है, समथिंग हेल्दी इज ऑलवेज देयर, हेल्दी चॉइसेस आर ऑलवेज देयर, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 नीचे एक लाल बटन है उस पर अपना डाइट फूड मार के फेंको या फिर अपने गोल्स मार के फेंको, दब जाना चाहिए भाई प्लीज़। अभी मेरे करीबन 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मेरे को पहुंचाने हैं 1000 तक ताकि मैं मोनेटाइज कर सकूं अपने वीडियोस और फिर मैं ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाऊंगा, ज़्यादा टाइम एंड एनर्जी दे पाऊंगा इसको और मैं और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दो काफ़ी हेल्प होगी और शेयर करो किसी के साथ जिसको इससे हेल्प हो और लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ कि आपकी डाइट कैसे है, आपके फिटनेस गोल्स क्या है या फिर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो फिटनेस रिलेटेड। Remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is my design.
नमस्ते।